तो मेरे पास जो डेटा है तीन अलग अलग शीट में डेटा है और तीनों से मुझे पिवट निकालना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो शीट्स है उसकी हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पे डेटा शीट है। इस डेटा शीट में आप सेल्स के लिए देखेंगे सेल्स है, बट सेल्स में कुछ इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, जैसे कि पीआईडी, जैसे कि सीआईडी। तो पीआईडी में हम जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है, और सीआईडी के अंदर में सिर्फ कस्टमर की कोड लिखा हुआ है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट है कस्टमर की पूरी डिटेल्स है नहीं। अब मैं पिवट बनाना चाहता हूं और पिवट में मैं चाहता हूं कि भी कस्टमर का लोकेशन के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट नेम के हिसाब से मुझे क्वांटिटी का सेल मिले। पर प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोडक्ट का डिटेल है वो दूसरे शीट में, ये हमारा पहले शीट में नहीं है, वो कहाँ है, दूसरे शीट में। अब कैसे करें, तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं वी लुकअप लगाऊं, वी लुकअप लगाऊं यहां और बाकी डिटेल्स लुकअप कर लूं। पर वी लुकअप लगाने में छोटी सी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जब भी डेटा बढ़ेगा घटेगा तो हमें ऊपर नीचे ड्रैग व्रैग करने पड़ जाए, तो हम ऐसा नहीं चाहते। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पावर पिवट। मैं इसको मूव एंड कॉपी करके एक क्रिएट कॉपी और एक नई शीट में ले जा, एक नई फाइल में ले जा। सही पिक सुविधा, तो इसी में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता। तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है रिलेशनशिप, मैं पिवट टेबल लगाऊंगा रिलेशनशिप की मदद से। तो हम पहले सेल्स के ऊपर जाते हैं और यहाँ इंसर्ट पिवट टेबल करते हैं। लेकिन इंसर्ट पिवट टेबल करते समय हम ध्यान रखेंगे कि ऐड दिस डेटा मॉडल जो है ये यहाँ पे क्लिक हो। ध्यान रखिएगा नॉर्मल पिवट में और रिलेशनशिप पिवट में ये डिफरेंस होता है कि ये जो ऐड डेटा मॉडल जो है इस पे आप क्लिक कर दें और देन हम इसको ओके करते हैं, तो देखिए एक नई शीट में आ गया, एक नई शीट में हमारा आ गया। उसके बाद वापस हम जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट वाइज है तो वापस हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इस पे भी पिवट लगाते हैं, इस पे भी हम पिवट लगाते हैं और पिवट में भी हम ऐड डेटा टू डेटा मॉडल कर देंगे। अब क्या होगा कि रिलेशनशिप में है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन में अभी है नहीं, भाई कहां से क्या उठेगा। तो यहाँ न्यू पे जाएंगे और मैं बोलूंगा, देखिए जैसे यहाँ पे आपका जो कस्टमर है सेल्स है और जो प्रोडक्ट है, रेंज और रेंज वन के नाम से यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं बोलाऊँ कि जो हमारा सेल्स है, जो हमारा सेल्स है और सेल्स की जो पीआईडी है, और यहाँ पे मैं लिया कस्टमर, यहाँ जो प्रोडक्ट है, सॉरी कस्टमर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की पीआईडी दोनों आपस में बराबर है, सेल्स की पीआईडी और कस्टमर की पीआईडी दोनों आपस में क्या है, बराबर। अनूप जी प्लीज वीडियो और स्टॉप कर लीजिए एंड यहाँ पे ओके कर। अब यहाँ पे दोनों रिलेशन हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे ऑल में आपके दो पिवट्स आए, तीन आ गए क्योंकि इससे पहले से लगा हुआ है शायद, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल अब दो आ गए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हम चले गए कस्टमर में, कस्टमर ने प्रोडक्ट ने जी प्रोडक्ट ने प्रोडक्ट नेम ले लिया और सेल्स के अंदर हमने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ली। तो दे सकते हैं दो शीट के ऊपर हमने पिवट लिया, दोनों को रिलेटिव करके हमने पिवट लिया।
रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। लेकिन यहाँ एक एक करके पिवट लगाना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास अगर 10, 15, 20 या उससे ज्यादा सीट हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? इसके लिए हम यूज करेंगे पावर पिवट। जी हाँ, इसलिए क्या यूज करेंगे? पावर पिवट। तो सबसे पहले आपको पावर पिवट का बिंदु चाहिए कि बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में नहीं होगा। इसके लिए मुझे जाना होगा फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, फाइल ऑप्शंस के अंदर, यहां दिखेगा आपको कस्टमाइज, नहीं यहां एडिस, कस्टमाइज रिबन में अगर आपने एडिस में एनेबल कर रखा है तभी दिखेगा, अदरवाइज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको जाना होगा एडिंस में, और यहाँ पे एक्सेल एडिंस जो दिख रहा है उसको हटा के यहाँ पे कॉम एडिंस सेलेक्ट कर, क्या सिलेक्ट करना है? कॉम एडिंस। देन हम गो पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पावर लीवर, इस पर टिक करके ओके कर, बस एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, एक बार करना है। एक बार करते ही आपको यहाँ पे पावर पिवट का मेनू आ जाएगा। अब आपको मैनेज पे क्लिक करना है, मैनेज पे क्लिक कीजिएगा तो एक एक्सेल जैसा ही विंडो आपको खुल के आएगा। अब इसमें मैंने ऐड कर रखा है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको शुरू से ऐड करना सिखा दूंगा कि हम पावर पिवट में डेटा कैसे लेके आए, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेल का डेटा पावर पिवट में नहीं आता है, पावर पिवट में एक्सेल का डेटा हमें डालना पड़ता है। चलिए तो आप जाइए, एक एक चीज, एक एक डेटा को सेलेक्ट कीजिए और यहां ऐड टू, आपको यहां पे पावर पिवट में दिखेगा ऐड टू डेटा मॉडल, जैसे इस क्लिक करेंगे ये डेटा जो है पावर पिवट के अंदर ऐड हो जाएगा। अब इसका नाम जो है टेबल टू है, इसको कर दीजिए प्रोडक्ट। अब मेरा डेटा टेबल में कन्वर्टेड है, बट आपका डेटा अगर टेबल में कन्वर्ट नहीं है तो पूछेगा, तो माई डेटा हैव यू हियर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आगे डेटा मॉडल, अब यहां आ गया टेबल थ्री, तो मैंने यहां पे कर दिया कस्टमर। वापस आते हम यहां सेल्स में, एड टू डेटा मॉडल, ये हो गई हमारी सेल्स। तो तीनों टेबल मैंने ला दी, अब तीनों टेबल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तीनों टेबल के बीच में क्या नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, यहां डायग्राम व्यू आपको दिख रहा होगा ऊपर, डायग्राम, अब इस डायग्राम व्यू पे क्लिक कीजिए, डायग्राम व्यू पे जैसे यहां पे कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते ही तीनों टेबल आएगा। तो मेन टेबल क्या है मेरा? सेल्स। मेन टेबल क्या है? सेल्स। अब मैं क्या करूंगा कि पीआईडी को उठाऊंगा और हम अपने पीआईडी, सेल्स के पीआईडी के ऊपर जस्ट ड्रॉप करें, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप। एंड वापस सीआईडी को उठाऊंगा और इसके सीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर दूं, अब दो तीनों टेबल आपस में रिलेट होगा। अब वापस डेटा व्यू पे आते हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा क्वांटिटी है ना प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट का जो एमआरपी है प्रोडक्ट वाला टेबल, मैं चाहता हूं कि एमआरपी यहां इसके बगल में हम करें, इसके बगल में हम करें, तो यहां पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम किया तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अब कैलकुलेटेड कॉलम दिख रहा है, इसके ऊपर हम यहां पे लिखते हैं एमआर, अगर एमआरपी लेकर आना, जैसे वी लुकअप होता है उसी तरह से इसमें होता है रिलेटेड का फॉर्मूला, किसका? रिलेटेड। रिलेटेड में हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की एमआरपी लिखी,
ये क्या करेगा, ये हमारा जो ये है पीआईडी नंबर है उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट का एमआरपी लुकअप करके इसमें पूरा का पूरा ला देगा। ये हो रही है आपके मेन डेटा पे नहीं हो रही है, ये बेसिकली कैलकुलेट हो रहा है अनदर डेटा पे। ये कैलकुलेट क्या हो रहा है, अनदर डेटा पे कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे एक और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करते, राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू कॉलम। अब यहाँ पे मैं अमाउंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, अमाउंट। यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करते, अमाउंट डबल क्लिक किया, अमाउंट हेडिंग चेंज किया। अब मुझे यहाँ पे और यहां पे मुझे क्वांटिटी एमआरपी को मल्टीप्लाई, तो यहां पे हम लेते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। इस तरह से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और इसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशन का फॉर्मूला, से इफ का हो गया, और ये बहुत सारे फॉर्मूले इसके अंदर आप ला सकते हो। और इसके बाद जो फाइनल हो जाए तो यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके एक्सेल शीट पे आएगा। एक्सेल वर्कशीट है तो यहां पे हम यहां पे हमने यहां पे सिलेक्ट करके है ना। अब तीन अलग अलग पीवर्ड से आप लगा सकते हैं और कैलकुलेटेड भी है। जैसे मैंने प्रोडक्ट को रख दिया नीचे, कि कस्टमर से मैंने ले लिया सिटी, और सेल्स से हमने सेल्स में ले लिया हमारा अमाउंट, और साथ में हम इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइस। मुझे इसमें स्लाइसर जैसे ऑर्डर डेट वगैरह, पेमेंट टाइप वगैरह का स्लाइसर लगाना है, तो ये सब चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते। तो आप तीन अलग अलग कीवर्ड पे अपना डेटा बना सकते, ठीक है? समझ में आया आपको लोगों को कि नहीं? लेकिन हम आ रहे हैं बा इसके ऊपर, अनिल जी की प्रॉब्लम के ऊपर, कि मेरे दो अलग अलग सीट में डेटा है और मुझे उन डेटा के ऊपर पिवट लगानी है। जैसे कि मेरे पास जैन का और फैब 2 महीने का डेटा है, ठीक है? जैन और फैब 2 महीने का डेटा है। मैं यहां पे एक छोटा सा डेटा क्रिएट कर लेता हूं, नेम सिटी क्वांटिटी एमआरपी अमाउंट, सिंपल सा एक सिंपल सा डेटा हम यहां पे क्रिएट कर देते हैं। अब मैं दो पिवट के दो डेटा के ऊपर कैसे लगाऊंगा, कुलेटेड मतलब एक के नीचे एक कुलेट हो गए कैसे लगेगा, और इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। अब इसको मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी और जनवरी में भी डाल देता हूं। दोनों के अंदर अलग अलग डेटा है, सीक्वेंस सेम है, नेम सेम हो सकता है, लेकिन अलग अलग है। अब मुझे क्या करना है कि मैं जनरली क्या करता हूं कि दोनों डेटा को कॉपी करके एक के नीचे एक पेस्ट करता हूं, उसके बाद फिर इसके अंदर हम पिवट लगाते हैं, पर ऐसा मैं नहीं करना चाहता। तो क्या करें, तो पहले हम पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेनू बार के अंदर जाएंगे, फ्रॉम टेबल,
और यहां पे अदर सोर्स में फ्लॉप टेबल और रेंज को सिलेक्ट करें एंड ओके करें। तो यहां सीधे आपके पावर क्वेरी पे आ जाए। ठीक है, अब यहां पे लोड एंड क्लोज टू कीजिए और यहां ओनली क्रिएट कनेक्शंस कर लें। फिर सेम आप फरवरी को चूज कीजिए, इंसर्ट, इंसर्ट नहीं यहां पे डेटा, फिर यहां पे फॉर अदर सोर्स, आप 300 का तो मार्क्स है, 300 में 241 आया, कितना परसेंट आया? ओके, अब इसमें इसमें भी मैं लोड एंड क्लोज कर लेता हूं फिलहाल, क्योंकि मुझे सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना। अगर ऐसा ना करूंगा तो फिर एक नई सीट ऐड होगी और उसके अंदर मेरा डेटा आ जाए, इसलिए ओनली क्रिएट कनेक्शन। तो दोनों का हम सिर्फ कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहां पर। अब यहां पे क्लिक करते हैं इंसर्ट, इंसर्ट नहीं यहां पिवट टेबल फिलहाल नहीं, हमें वापस जाना होगा राइट क्लिक करके एडिट करना होगा। एडिट करते ही वापस पावर क्वेरी खुल जाएगा। अब मुझे मर्ज में दिख रहा होगा मर्ज इन क्यूरी, यहां पे दिखेगा आपको अपेंड क्यूरी, इस पे क्लिक करके अपेंड न्यू कीजिए और यहां पे दो या दो से ज्यादा टेबल है उस सेलेक्ट कर लीजिए। अब अपना टेबल का सीक्वेंस दीजिए कि पहला यहां पे पहला टेबल आप सिलेक्ट कर लिए, फिर इसके नीचे दूसरा टेबल सेलेक्ट कर, लेकिन ध्यान रखिए दोनों का हेडिंग सेम होना चाहिए, अगर हेडिंग अलग अलग है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देन ओके कीजिए। अब यहां पे देखिए दोनों टेबल एक के नीचे आ गया। अब यहीं पे आप लोड एंड क्लोज टू पे जाइए और इसमें पिवट टेबल रिपोर्ट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। यहां पे देखिए आपके सामने डेटा आ जाएगा, पिवट आ जाएगी दो। अब बोले सर इसके लिए तो हमने अलग अलग किया होता था, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे ना? जी जरूर, हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, हमने एक एक करके सिलेक्ट किया, एक एक सिलेक्ट कहाँ करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन इससे क्या हुआ कि अगर कल के डेट में यहाँ किसी का डेटा अरे इंक्लूड होगा तो यहाँ आपके पिवट के अंदर अपने आप जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अपने आप आ जाएगा। अब चलिए एक काम और करते हैं कि इसको हम कॉपी करके एक नई शीट, एक नई फाइल में डालते हैं, यहां एक नई फाइल, ये हमारा जैन का हो गया और ये हमारा फैफ का हो गया। और चलो एक मार्स भी क्रिएट कर देते हैं, इसी डेटा को रिपीट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। और फिर करते हैं सेव मल्टी पिवट डेटा के नाम से, कहां पे दी जाए और हम कर दिए सेव। अब मुझे तीनों को पिवट चाहिए, तो हम जा सकते हैं डेटा मेनूबार के अंदर गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल के अंदर हम अपने ड्राइव में जाएंगे और एम पिवट डेटा जो हमने सिलेक्ट किया है, जो फाइल है उसी को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद अब यहां पे मल्टीपल सिलेक्ट आइटम में जाएंगे और यहां से जैन टेबल भी ले सकते हैं यहां पे, लेकिन मैं यहां पे जैन फैर मार्च तीनों को सिलेक्ट कर, मैंने क्या सिलेक्ट किया जैन फैर मार्च। और फिर हम करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा करते ही वापस पावर क्यूरी में चला आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैन फैर मार्च एक ही बार में आएंगे, लेकिन अगर मैं यहां पे लोड एंड क्लोज किया तो पूरा का पूरा डेटा आएगा। मुझे पहले क्रिएट कनेक्शन करना है, लोड एंड टू में जाके यहां पे ओनली क्रिएट कनेक्शन, और फिर हम यहां पे किसी एक पे जाके एडिट करेंगे तो वापस हम चले आएंगे पावर क्यूरी में। अब यहां हम अपेंड में यहां पे यहां साइड में क्लिक करेंगे
अपेंड एंड न्यू के अंदर, और यहां पे मोर देन वन टेबल, और यहां पे कि जैन फैग यहां से रिमूव कर देता हूँ, चाहे नीचे कर देता हूँ, हाँ, और मार्च मार्च को सिलेक्ट करके ऐड किए। ऐसे जितने भी टेबल्स आपके उस सीट, जितने भी शीट्स आपके उस फाइल में होंगे, सबको वन बाय वन सिलेक्ट कर लिए एंड देन ओके कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मर्ज नाम का टेबल में आपको पूरा का पूरा आ गया। अब मर्ज को हम यहाँ पे सिंपल सा रिनेम कर देते हैं क्वार्टर वन किस। अब मैं इसको सिलेक्ट किया एंड लोड एंड क्लोज, लोड एंड क्लोज मत कीजिए वरना पूरा का पूरा डेटा आ जाए, कि हमेशा लोड एंड क्लोज टू कीजिएगा और अपना पिवट सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे पिवट टेबल रिपोर्ट पे क्लिक किया एंड ओके, एक नई शीट पे Q1 के शीट पे तीनों शीट, तीनों का डेटा यहाँ कंबाइन होकर आपके सामने आ गया। और डेटा आया ही नहीं, कल के डेट में किसी तरह का चेंजिंग होता है तो ये अपने आप को अपडेट भी कर रहे। समझे अनिल जी, अनूप जी, राहुल जी, करिश्मा जी, मनीष जी, सुरेश जी, कोई डाउट इसमें? सुजीत जी समझ में तो आ गया, मेरे को एक चीज और पूछना था। अभी सपोज कीजिए आपने जनवरी फरवरी मार्च का बना के दिया, अभी नेक्स्ट अप्रैल आता है सर, अगर मेरे को इसी शीट में अप्रैल ऐड करके इसको और आगे बढ़ाना है तो कैसे होगा सर? मुझे लग ही रहा था कि इस तरह क्वेश्चन को कोई पूछेगा और आपने पूछ ही लिया। चलिए अब आपकी बताने से अच्छा है कि मैं करता हूं, ठीक है, कि मैंने एक नया सीट अप्रैल यहां डाल, क्या डाल दिया अप्रैल डाल। अब जी यहां पे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूँ, मतलब हो सकता है कुछ दिख जाए, मैं डेटा चेंज कर दिया, रैंड बिटवीन का डेटा लगा देता हूँ। और ए मल्टीप्लाई, तो हमने क्या किया, डेटा अपना चेंज कर लिया, ठीक है, कॉपी जी एंड पेस्ट। तो अब आपको क्या करना होगा, यहां पे किसी एक पे जाके राइट क्लिक कीजिएगा और कीजिएगा एडिट, ठीक है, एडिट किए। ये सॉरी सर, ये एडिट ऑप्शन कहाँ से आता है सर, समझा नहीं। एडिट करने के बाद यहां न्यू सोर्स दिख रहा है आपको, यहां रिसेंट सोर्स भी आपके सामने है, और हम इसी रिसेंट सोर्स पे क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर हम तो ला चुके हैं, एक मिनट, रिसेंट सोर्स पे एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये अप्रैल इसमें नहीं आया, लग रहा है कि मैंने फाइल को सेव नहीं किया, एक बार फाइल को सेव कर देते हैं, ठीक है, फिर वापस राइट क्लिक एडिट पे आते हैं, और यहाँ पे हम रिसेंट सोर्स पे क्लिक करते हैं, ये फाइल को लेते हैं। अब आ गया अप्रैल, इस अप्रैल को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं। आ गया अप्रैल डेटा सर। अब जी सर, इसको हम करते हैं, हाँ अब इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे अपेंड पे क्लिक करते हैं मोर टेबल। अब यहाँ पे Q1 के नीचे इस अप्रैल को ऐड कर देते हैं, देन ओके आ गया, देन लोड एंड क्लोज कीजिए। मैंने बोला था ना अप्रैल, मैंने कनेक्शन क्रिएट नहीं किया तो अप्रैल का एक नया टेबल आ गया, उसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है सर। इसे मैं बोला कि पहले क्रिएट कनेक्शन कर लेते हैं तो ठीक रहता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों रिफ्रेश कीजिए, तीनों टेबल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, 100 को किया 300 है ना आपका, यहाँ पे टोटल मार्क कीजिए, समझे कि नहीं सर। जी सर, जी सर, अब डबल क्लिक करके इसका डेटा भी, कंबाइंड डेटा भी देख सकते हैं, कंबाइन डेटा 9 and 7 टोटल है, तो आप जोड़ लीजिए, ये आपका 254, ये आपका 254, 245, 245 मतलब कि 500, और ये हो जाएगा आपका 750 में थोड़ा सा कम,
अब मार्च हो जाएगा तो सही तो है, 900 कुछ है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटर कब हाँ होगा? सुजीत सुजीत बेटर बेटर तब होगा जब आप सीट पे नहीं, फाइल वाइज डेटा एक फोल्डर में रहे, वो बेटर रहेगा। ओके ठीक है ना, उसमें आपको क्या होगा, फोल्डर के अंदर कुछ भी आएगा अपने आप अपडेट हो जाएगा, वो सही रहेगा। आपको एक ही क्लिक करना है, पूरा एक हो जाएगा सर। अगर फोल्डर में रहता है तो क्या फोल्डर करना में पड़ेगा रहता सर? है सर। फोल्डर लास्ट क्लास बताया था ना आपको मैं, फ्रॉम फोल्डर अच्छा अच्छा ठीक लास्ट ठीक क्लास में मैंने समझाया था ना फॉर्म फोल्डर। तो यहाँ पे आपकी, यहाँ पे फॉर्म फोल्डर, यहाँ पे आपकी फाइल होती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो फीचर मैंने बताया ये आपको लेटेस्ट सेक्शन में मिलेगा। इसे मिलेगा लेटेस्ट सेक्शन, अच्छा ठीक है, पुराने सेक्शन में नहीं मिलेगा। तो सुजीत जी, सबसे सुजीत जी पहले सबसे पहले हमें जो भी हमें जो डाटा भी है हमारा डाटा है जिस भी हमारा वर्क जिस बुक में, वर्क उनको बुक एज ए में टेबल में टेबल कन्वर्ट में करना कन्वर्ट पड़ेगा करना पहले तो, पड़ेगा। राइट सर? नहीं 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 वो अपने आप हो जाएगा, देन आपको करने की जरूरत नहीं, टेबल अच्छा टेबल में अपने आप में अपने कन्वर्ट आप हो जाएगा, कन्वर्ट हो तो जाएगा। नहीं, कनेक्शन क्रिएट कनेक्शन करना क्रिएट पड़ेगा, करना देन पड़ेगा, फिर हम देन फिर उसको उसको लोड एंड वो करेंगे ना। आज क्लास की वीडियो ग्रुप में डाल देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और यहाँ ठीक है पे सर, थैंक हमारी यू वेरी खत्म मच। होती है पावर पिवट, खत्म होती है। तो कल 11 बजे आप लोग जो है रेडी रहिएगा डैशबोर्ड क्लास। कल हम पिवट टेबल से डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। हमने शुरुआत में कुछ डैशबोर्ड दिखाए थे ना जी जी, उस तरह के डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। जैसे ये डैशबोर्ड दिख रहा है आपको सर, तो सेम इस तरह से नहीं, लेकिन आपको एक डैशबोर्ड लेंगे, कोई एक डेटा लेंगे। ठीक है, आज भी हमने ठीक है फॉर्मूले के सर, ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर डैशबोर्ड बनाना सिखाया था। ये देखिए, ये दिख रहा है डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम स्टार्ट एंड डालते हैं, यहाँ पर आते मंथ ईयर डालते हैं, चेंज होता है, ये फॉर्मूले से बना हुआ है, लेकिन हम पिवट टेबल से बनाना सिखाएंगे। ओके, कल 11 बजे ओके क्लास स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसे क्लास स्किप मत कीजिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है थैंक सर, यू। थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं कल सेम टाइम वही 11 बजे मॉर्निंग में। ओके बाय।